जिंदाबाद स्पोर्ट एसोसिएशन जिंदाबाद। हमें डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए, हमें डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए, चाहिए। हमें इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नॉन स्पोर्ट वालों पर इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बेरोजगारों पर इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। मेरा नाम इश्तियाक अहमद खांडे। इस प्रोटेस्ट वनो ना इसके प्रोटेस्ट बल्कि ये हमारी डिमांड है, यह सी डिमांड डिमांड ये कि वनिस तान गए इन गाड़ियन शरत मिनटस बराकर। पहले मैं ये बताऊंगा कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने हमारे ऊपर एहसान किया, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं उनको गाड़ियाँ दी, तो पत् करो पी गाड़ चलाए रूटन पे और अम सहज मशीत हालत ठीक। मगर एक्चुअली ये वनिस तान आव ना इन रूट परमिट इशू कर तो बाकी दौरानी तलाश वे कर पान कूनमुत गवर्नमेंटस, इसलिए अपील गवर्नमेंटस कि अस दियो सा ये परमिट दियो सा अस गो आजाद। अगर अस पगह खुदा दिन नजात एक्सीडेंट या बदल क्या गो फसो मुसीबत मे इस गो सोन कयाल जिम्मेवार रूजन सर। हम इन ड्राइवर साहबान के सारे साथ है, ये बेरोजगार लोग है सारे। इन्होंने गवर्नमेंट ने अपना सारा स्कीम जो दिया है, जो प्रधानमंत्री ने अपनी स्कीम खोली है, उसके तहत हम शुक्रगुजार हैं उनके, क्योंकि हमारे यहाँ सारे बेरोजगार नौजवान जो थे ये गलत कामों में मुलव्वस हो गए, इसलिए उसने हमारे ऊपर एक बड़ा एहसान किया कि ये स्कीम दी। उसके बावजूद जब स्कीम दी तो गाड़ियां भी ली, आज 14 महीने हो गया गाड़ियों को और किसी गाड़ी के पास कोई परमिट नहीं है, और अगर परमिट है भी ये हमको कुछ 10 किलोमीटर कुछ 8 किलोमीटर की परमिशन परमिट बोलते हैं। तो हमारी मांग ये है कि हमें अपना डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियां इतनी भी नहीं है कि ये 12 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन देती है, दिन में 300 रुपया कमाता है एक बंदा, तो वो अपना बैंक में देगा या अपने घर को चलाएगा, किस तरह होगा इनका काम। हम बस इतना चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट परमिट चाहिए और वो भी जल्द अज जल्द।